स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आई होप यू आर एल वेरी वेल। आपकी क्लास बेटा प्लस वन है और आपका लेक्चर है जो इंग्लिश लिटरेचर का हम लगा रहे हैं। तो मैं आज आपको जो आपकी टेक्स्ट है इंग्लिश, उसका टेंथ चैप्टर है मैं आज शुरू करवाने जा रही हूँ। टेंथ चैप्टर है अ स्पार्क निगलेक्टेड बर्न्स द हाउस पार्ट वन। 10 पार्ट है, पार्ट वन है। 11th पार्ट में जो है इसका पार्ट सेकंड बताया गया हमें। तो स्पार्क निगलेक्टेड बर्न्स द हाउस में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये चैप्टर है क्या। वंस देयर लिव्ड अ पीजेंट। पीजेंट एक किसान है जिसका नाम इवियान है, विलेज में रहता है रशिया के। ही वॉज क्वाइट वेल ऑफ बिकॉज, वो बहुत ही अच्छा है, क्वाइट वेल है, बिकॉज ही एंड हिज 3 sons वर्कड हार्ड ऑन देयर लैंड, क्योंकि वो और उसके 3 लड़के अपनी जो ज़मीन है, खेत है, उनमें काम करते थे। हिज वाइफ एंड हिज डॉटर इन लॉ द वाइफ ऑफ हिज एल्डर सन मैनेज द हाउस वेल। उसकी किसान की पत्नी और उसकी बहू, मतलब उसके सबसे बड़े लड़के की जो पत्नी थी, उन्होंने घर को अच्छे से संभाल रखा था। बिसाइड हेल्पिंग इन द फील्ड्स, वो साथ में खेतों में हेल्प भी करवाती थी। दे हैड ओनली 1 adult month टू फेड, दैट वॉज इवेंस ओल्ड फादर हु वॉज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। मंथ ऑफ फेड दैट वॉज, उनके घर में एक बुजुर्ग था जो इवन का बुजुर्ग फादर था, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी एंड हैड बीन लेइंग इल इन बेड फॉर 7 years, और वो 7 साल से बिस्तर पर बीमार पड़ा था। दे हैड ऑल दे नीडेड द एंड द फैमिली माइट हैव लिव्ड ऑन कम्फर्टेबली, बट फॉर अ क्वर्ल बिटवीन दैम एंड देयर नेक्स्ट डोर और नेबर ग्वालियर। दे हैड ऑल दे नीडेड, उनके पास वो सब कुछ था जो उनको चाहिए था। एंड द फैमिली माइट हैव लिव्ड ऑन कम्फर्टेबली, और उनकी जो फैमिली थी वो बहुत कम्फर्टेबली आराम से रह सकती थी। बट फॉर अ क्वर्ल बिटवीन दैम, पर उनमें झगड़ा होता था, एंड देयर नेक्स्ट डोर नेबर, और उनका जो नेबर था जिसका नाम गैब्रियल था। एज लॉन्ग एज गैब्रियल्स फादर वॉज अलाइव, Evan's father was still able to manage his home. The two families had been living as good neighbors should. जब जो उनके पड़ोस में गैब्रियल का फादर था और इवन का फादर था, दोनों बहुत अच्छे नेबर थे, पड़ोसी थे, बहुत अच्छा मैनेज करते थे। दे ट्रस्टेड एंड हेल्प्ड ईच अदर ग्रेटली, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करते थे और एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। कौन करते थे? गैब्रियल का फादर और इवन का फादर, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे पड़ोसी थे। पर अब गैब्रियल और इवन है जो, वो आपस में झगड़ा करते थे। दे ट्रस्ट एंड हेल्प ईच अदर ग्रेडली एंड नेवर क्वर्ल्ड ओवर लिटल थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ों पर वो झगड़ा नहीं करते थे। इफ़ वन फैमिली नीडेड अ बकेट और अ प्लो, अगर किसी को, एक फैमिली को बकेट और प्लो की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब जो खेतों में हल जोतने की ज़रूरत पड़ती थी, द अदर वुड लैंड इट, तो दूसरा उसको दे देता था। इफ़ अ काउ हैपन टू वंडर इन टू द नेबर्स यार्ड, दे जस्ट ड्रॉव इट आउट एंड नेवर थॉट ऑफ क्वर्लिंग अबाउट द मैटर। अगर किसी की गाय दूसरों के खेतों में चली जाती है ना, तो वो इस बात पे झगड़ा नहीं करते थे, छोटे छोटे मैटरों पे झगड़ा नहीं करते थे। बट व्हेन द सन्स बिकेम हेड्स ऑफ द फैमिलीज थिंग्स बिगिन टू चेंज, पर जब उन दोनों के बच्चे फैमिली के हेड बन गए, तो जो थिंग्स है उनमें चेंज आ गया। अ स्मॉल मैटर स्टार्टेड ऑल द कल, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होने लगा। वन डे वन ऑफ इवेंट्स हंस फ्ल्यू अवे ओवर द फेंस इन टू द नेबर्स यार्ड एंड लेट इट्स एग देयर। एक बार क्या हुआ कि इवन की जो हैंस थी, मुर्गियाँ थी, उन्होंने नेबर, अब उनके पड़ोसी की जो दीवार थी उस पे जाके अंडे दे दिए थे। सो इवन्स डॉटर इन लॉ वेंट टू गैब्रियल्स हाउस टू लुक फॉर द एग, तो इसलिए वो अपनी हैन के अंडे ढूंढने के लिए इवन की जो बहू थी, डॉटर इन लॉ, वो गैब्रियल के घर देखने गई। तो वो कहते हैं, व्हाट डू यू वांट यंग वुमेन, गैब्रियल की मदर कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए
One of our hens flew across the fence this morning. Did it lay an egg here? तो वो उनकी बहू कहती है कि हमारी मुर्गियों में से एक मुर्गी आपकी जो है दीवार है वो क्रॉस करके चली गई थी, क्या उसने यहाँ पे अंडे रखे हैं? We did not see anything of it. कहते कि हमने तो कुछ भी नहीं देखा. But it did fly it here. कहते कि वो यहाँ पे आई थी. My brother-in-law saw it. मेरे देवर ने उनको देखा था. But none of us said it. कहते हमने तो कुछ भी नहीं देखा. गैब्रियल की मदर बोलती है We collect our own eggs and have no need for other people's. कहते हम तो अपने एग कलेक्ट करते हैं, हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है. And we don't go looking for eggs in other people's yard. और हम लोगों के घर पे उनके अंडे हैं जो वो देखने नहीं जाते. The young woman was offended and said more than she should have. उसको यंग वूमेन को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल दिया. गैब्रियल्स मदर आंसर बैक एंड सून द वूमेन वर शाउटेड एंड अब्यूजिंग ईच अदर. गैब्रियल की मदर भी बोलने लगी और जल्दी ही दोनों के बीच में झगड़ा हो गया. इविन्स वाइफ हैपन टू पास बाय एंड शी ज्वाइंट इन द क्वर्ल. इवन की वाइफ ही वहाँ पे आ गई और वो भी झगड़े में शामिल होगी. गैब्रियल्स वाइफ कम आउट एंड दे ऑल बिगिन अब्यूजिंग एंड एक्यूजिंग वन अनदर. उधर से गैब्रियल की वाइफ भी आ गई और दोनों आपस में झगड़ा करने लगे. यू आर अ डर्टी वूमैन. उसको कि तुम गद्दी औरत हो. यू आर स्ट्रीविंग योर फादर इन लॉ. कहते कि तुम तो अपने फादर इन लॉ को भूखा रखती हो. गिव अस बैक अवर बकेट. कहती हमारी बकेट है जो वो वापस करो. एंड सो इस तरह से मतलब एक दूसरे को गाली क्लोच करने लगे. जस्ट देन उसी टाइम गैब्रियल कम होम फ्रॉम द फील्ड्स. वो खेतों से गैब्रियल घर पर वापस आया एंड स्टॉप देयर टू टेक हिज वाइफ्स पार्ट. उसने अपनी वाइफ को ऐसा करने से रोका. सून इवन टू रश्ड आउट एंड ज्वाइन इन. इवन भी वहाँ पे पहुँच गया. बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फॉलो ही सेक्रेड ही द होल लॉट ऑफ देम एंड पुल्ड अ हैंडफुल ऑफ हेयर आउट ऑफ गैब्रियल्स ब्रीड. और दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और गैब्रियल की उसने जो दाढ़ी होती है उसको खींच दिया. देन देयर नेबर्स केम एंड विद ग्रेट डिफिकल्टी पार्टेड द फाइटर्स. दोनों आपस में गैब्रियल इवन आपस में झगड़ा करने लगे तो आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने आके उनको छुड़वाया. गैब्रियल रैप्ड द हेयर टॉर्न फ्रॉम हिज ब्रीड इन अ पीस ऑफ पेपर एंड वेंट टू कोर्ट. उसने क्या किया, जो उसकी दाढ़ी में से उसने बाल उखाड़ दिए थे उसको वो पेपर में लपेटा और कोर्ट में ले गया. हिज वाइफ वेंट अबाउट सेइंग दैट इवन वुड बी कमिटेड एंड बैनिश्ड टू सिवेरिया एज ए पनिशमेंट. उसकी वाइफ चाहती थी कि जो इवन है उसको यहाँ से निकाल के सिवेरिया पनिशमेंट के लिए भेजा जाए. आई नेवर पुल्ड आउट हिज ब्रीड. इवन कहता है कि मैंने उसके कभी दाढ़ी को छेड़ा भी नहीं है. ही पुल्ड इट आउट हिमसेल्फ. ये उसने जानबूझ के खुद से उखाड़ी है. बट ही सन टॉन माई शर्ट एंड पुल्ड द बटन्स ऑफ. बल्कि उसके बेटे ने मेरी शर्ट को पकड़ा और मेरे बटन को तोड़ दिया. सो ही वेंट टू कोर्ट टू. तो वो भी कोर्ट में चला गया. द क्वर्ल ग्रू एंड डे बाई डे लाइफ बिकम हार्डर फॉर बोथ द फैमिलीज. झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और दोनों फैमिलीज के लिए सब कुछ मुश्किल हो गया. एट फर्स्ट दे अब्यूज्ड वन अनदर यूजिंग इम्पोलाइट लैंग्वेज. सबसे पहले उन्होंने गाली गलौज किया. देन दे बिगिन टू स्नैच एनीथिंग दे सॉ लेइंग अबाउट. फिर उनके पास स्नैच मतलब एक दूसरे को खींचने लगे, झगड़ा करने लगे. द चिल्ड्रन इमिटेटेड द एल्डर्स. जो बच्चे थे घर पे उन्होंने बड़ों की नकल करनी शुरू की. एंड मोस्ट एवरी डे दे वर अ क्वरल और अ फाइट. और बच्चे भी जो हैं आपस में एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे के घर वाले बच्चे. इवेंस ओल्ड फादर ट्राई टू परस्यूड हिज सन टू मेक पीस विद देयर नेबर. इवन के जो फादर थे वो तो अपने टाइम में अच्छे नेबर थे तो वो अपने बेटे को रोकते हैं कि तुम इस तरह से झगड़ा मत करो. वट आर यू डूइंग ही सेड. वो कहते कि तुम क्या कर रहे हो. वट डज एन एग कॉस्ट आफ्टर ऑल. कहते कि एक अंडे की कीमत क्या है. गॉड गिव्स इनफ फॉर ऑल. कहते गॉड हमें और देगा. सपोज योर नेबर ऑफेंड यू बाय सेविंग एन इन सेइंग एन इनपोलाइट और अनकाइंड वर्ड. अगर सपोज करो कि
नेबर तुम्हें ऑफेंड करता है बुरे शब्द बोल के, इट ऑट नॉट टू मैटर मच, ये कोई बड़ी बात नहीं है. शो हिम हाउ टू से अ बेटर वन, उसको दिखाओ कि तुम कितने अच्छे हो. इवन स्टॉप ट्राइंग टू पे बैक, कहता कि तुम ऐसा करना बंद कर दो. डू मेक पीस विद गैब्रियल, गैब्रियल के साथ शांति बना के रखो. बट द यंगर पीपल वुड नॉट लिसन टू द ओल्डर मैनस एडवाइस, पर यंगर जो पीपल हैं इवन और गैब्रियल वो ओल्ड मैन के एडवाइस सुनने के लिए तैयार नहीं थे. इवन एंड गैब्रियल कैप्ट गोइंग टू द लॉ, वो दोनों लॉ के पास जाते हैं. अनटिल द जजेस गॉट डिस्कस्ड विद बोथ ऑफ देम, जब तक दोनों को जज है जो वो अपना फैसला नहीं सुनाता. नाउ गैब्रियल गॉट इवन पुट इन टू प्रिजन एंड फाइंड इन देम इवन इन हिज टर्न गॉट द सेम थिंग डन फॉर द गैब्रियल. नाउ गैब्रियल गॉट इवन पुट इन टू द प्रिजन एंड फाइंड, गैब्रियल जो है उसको वो चाहता है कि इवन को जेल हो जाए और फाइन हो, और इवन भी यही चाहता है कि गैब्रियल को जेल और फाइन हो. ऑल दिस वन मेड दैम एंग्रियर विद ईच अदर, ये सब ने क्या किया, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया. इन द सेवेंथ ईयर, सातवें साल में एट द वेडिंग इन हिज विलेज, उनके गांव में शादी थी. इवन्स डॉटर इन लॉ हु वॉज देन प्रेगनेंट, उसकी जो डॉटर इन लॉ थी वो प्रेगनेंट थी, एब्यूज्ड गैब्रियल इन फ्रंट ऑफ एवरी वन देयर ऑफ स्टीलिंग अ हॉर्स. वो उस गैब्रियल एब्यूज्ड गैब्रियल को गालियाँ निकालेंगी क्योंकि वो उनका घोड़ा चुरा रहा था. गैब्रियल हैड बीन ड्रिंकिंग, गैब्रियल ने दारू पी रखी थी. ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल एंड गेव द वुमेन सच अ ब्लो दैट शी फेल डाउन एंड वॉज लेड अप फॉर अ वीक. और उसने क्या किया, गुस्से से उस औरत को धक्का मारा और वो एक हफ्ते के लिए लेड अप हो गई, मतलब गिर के वो उसको बहुत चोटें लगी. एवन वॉज डिलाइटेड, एवन बहुत खुश था. नाउ ही हैड Now that he has beaten a pregnant woman, अब वो pregnant woman को पीटता था. I will find a way to get rid of him, मुझको पता चल गया कि अब मैंने उससे छुटकारा कैसे पाना. He said to himself, वो अपने आप बोलने लगा. The magistrate dismissed this complaint, magistrate ने उनकी complaint को खारिज कर दिया. Since the woman showed no sign of injury, क्योंकि woman को कोई भी injury के sign नहीं मिले थे. Even took the case to a higher court, even जो है वो केस को हाई कोर्ट में ले गया. He beat the clerk and the officers to the court and got Gabriel commanded to be beaten publicly, और उसने लोगों के सामने Gabriel को पीटना शुरू कर दिया. Gabriel grew pale while he heard the sentence and turned his face to the wall. Gabriel grew pale. Gabriel जो है वो पीला पड़ गया जब उसने सुना कि उसको सजा हो गई, और उसने अपना फेस है जो वॉल की तरफ घुमा लिया. As Gabriel went out, जब Gabriel बाहर आया, even overheard himself, him say, उसने उसको कहा, he will have my back bitten, that will make it burn, but something of this may burn worse than that. कहता he will have my back bitten, that will make it burn. कहता ये जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, but something of his may burn worse than that. पर इससे भी ज़्यादा कोई बुरी चीज़ जल सकती है. Even complained to the judge at once, वो उसी टाइम जज को बोलता है, I did not say anything about burning. कहता है गैब्रियल कहता है कि मैंने कभी भी किसी को जलाने की बात नहीं की है. ही डिड से इट, एवन कहते हैं कि इसने कहा है. नो ही लाइज, गैब्रियल कहता है नहीं ये झूठ बोल रहा है. डोंट गो ऑन विद दिस क्वर्ल, सेड द जज ट्राइंग टू, जज कहता है कि यहाँ पे झगड़ा मत करो. ट्राइंग टू पीस बिटवीन दैम, उनमें शांति बना के रखना चाहता था. डू स्टॉप इट, वॉज इट राइट ऑन योर पार्ट गैब्रियल टू हिट अ वुमेन हु वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी. डू स्टॉप इट, वॉज इट राइट, कहता है यह सही है कि गैब्रियल ने एक वूमेन को हिट किया, उसको बेबी होने वाला था. यू ऑट टू हैव कंट्रोल यूर सेल्फ, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए. थिंक ऑफ वट माइट हैव हैपन्ड, सोचो अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता. एडमिट यूर फॉल्ट एंड आस्क एविन फॉरगिवनेस, अपना गुनाह कबूल करो और एविन से माफ़ी मांगो. इफ़ यू टू मेक पीस, अगर तुम दोनों शांति बनाओगे, वी विल चेंज द सेंटेंस, मैं तुम दोनों की सजा माफ़ कर दूंगा. But the judge could not persuade them to make peace. But judge है जो उन दोनों में शांति नहीं बना के रख सका. I shall be 50 next year, said Gabriel. मैं तुम्हें 50 साल देता हूँ. I have never been beaten in all my life. मैं कभी भी किसी को अपनी लाइफ में नहीं मारूंगा. Now when he is going to have me beaten, पर अब अगर इसने मुझको मारना,
am I to go and ask for his forgiveness? और मैं अब इसने मुझको मारा और मैं आपके इसके पास जाके इससे माफ़ी मांगू? नेवर, ये नहीं हो सकता. ही शैल हैव कॉज टू रिमेंबर मी. ये तो मेरे को याद रखने का एक कारण है. ही वेंट आउट ट्रेवलिंग विद एंगर. वो वहाँ से चला जाता है बहुत ज़्यादा गुस्से में. मतलब उनका गुस्सा, उनके झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं. और इसके लिए वो अपनी वाइफ को, जो एविन होता है, अपनी डॉटर इन लॉ को, जो वो बनाता है बीच में कि वो उसने उसको हिट किया, मारा, तो वो सोचता है कि अगर मैं इसको और मारूंगा तो ये सारा इल्ज़ाम उस पर लग जाएगा कि हाँ इसने ही इसको दुखी किया है. ठीक है, तो अब ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये लड़ाई कैसे ख़त्म होती है, या होती भी है या नहीं होती. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, फिर हम उसके अगले लास्ट चैप्टर है जो इस बुक का, वो पढ़ेंगे. तब तक बेटा आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर लो, पढ़ लो. अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे.